क्या आप झूठ बोल रही है? हैप्पी मदर्स डे नहीं बोला क्या? नहीं बोला, मैंने शाम को शाम को कहाँ से मदर्स डे होता है? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज संडे है, मदर्स डे है, तो बच्चों ने ये सब करा होगा, ये रहा ये सब करा हुआ है। मैं अभी उठी हूँ सो के बहुत लेट। आज सैटरडे संडे मैं ज़्यादातर दोबारा सो जाती हूँ। मेरा प्लान क्या था, बाहर का मैं उठाऊँगी मेरा को वर्कर को शेफ ये है एरिना की मेहनत। मैंने कम से कम एक दो हफ्ते पहले बनाया होगा। एक दो हफ्ते पहले प्रीपेड में कार्ड बना लेती है तुम। इसमें क्या है? कुछ तो लिखा है इसमें, मेरा नाम भी आया इसमें। हाँ है ना ब्रो, या वाली पिंक वाली नहीं, सॉरी ये नहीं, ये वाली ब्लू लाइन है। नोट है? हाँ बहुत सारे, मतलब नोट्स है इसके अंदर भी, नोट्स आप देखेंगे। मामा का चाय है आपकी, और वो भी पेपर टे भी ले सकते हैं। अरे मामा डे है क्या? मामा डे मामा डे मामा डे क्या आता है? ये देखो, आप देखो मदर का फुल फॉर्म। अरे मैं अपनी मदर को ही फोन कर लेता हूँ, क्या पता। और ये बास्केट के अंदर मुझे लगा ये सजावट है कॉटन बॉल्स के साथ, लेकिन इसके नीचे इसने रखा है कुछ चॉकलेट्स। कहाँ गई? कुछ चॉकलेट्स पड़ी हुई हैं और ये गिफ्ट। The gift of history. क्या हो रहा है? मैंने कहा मैं भी अपनी माँ से बात कर लेता हूँ मदद के। माओ का दिन है आज। सुबह के बाद और कोई रिकॉर्डिंग करी नहीं, क्योंकि आज पता नहीं क्यों तबीयत बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। मौसम का भी फ़र्क है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। फिर इलेक्ट्रॉल पिए मैंने दो बॉटलें, तब जाके थोड़ी सी राहत आई। उसके बाद फिर हम मार्केट चले गए थे, थोड़ा मोड़ा काम करना था घर का। अभी लौटी हूँ, शाम का टाइम है, खाना बनाने जा रही थी। उसके पहले मैंने सोचा 2 मिनट की रिकॉर्डिंग कर लेती हूँ। खाने में आज मैं बनाने जा रही हूँ मेथी मखनी मुर्ग। नाम अच्छा है। मखनी मेथी मुर्ग भी कर सकते हैं, जैसी आपकी मर्ज़ी। रेसिपी देख के आप कोई नया नाम ईजाद करें तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नाम मुझे पता नहीं था, मैंने यूं ही रख दिया है। बाकी हाँ, फ्राइडे को ज़मन का आया था रिज़ल्ट, 10th बोर्ड CBSE का रिज़ल्ट आया है फ्राइडे को। ज़मन ने स्कोर कराया है 92%, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिज़ल्ट आया ज़मन का। और इसी से रिलेटेड मैं आप सबके साथ एक बात शेयर करना चाह रही थी। काफ़ी लोगों से मैंने अपने इर्द गिर्द जो मेरे जानने वाले हैं, यहाँ पे ज़मन के कुछ फ्रेंड्स हैं हमारे आसपास हैं, कुछ इस सोसाइटी में, कुछ पहले की सोसाइटी में, शाम तक ये पता चला कि जब और भी बच्चों के रिजल्ट्स पता चले किसके कितने परसेंटेज आए हैं,
बच्चे आपस में बात करते ही हैं, बड़े भी करते हैं, तो ये पता हमें क्लियर हुआ शाम तक कि बच्चे जो हैं, इवन उनके पेरेंट्स भी जो हैं, टॉप 5 जो सब्जेक्ट्स जिनमें अच्छे नंबर आए हैं उनको उठाकर और परसेंटेज निकाल कर और फिर वो लोगों को बता रहे हैं। तो ये काफ़ी मतलब हम दोनों ही को इस चीज़ ने सोचने पे बहुत ज़्यादा मजबूर कर दिया। हम रात को भी बैठ करना हम दोनों यही बात कर रहे थे कि ये चीज़ बिल्कुल भी एनकरेज नहीं करनी चाहिए। मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी 10th के रिगार्डिंग, एक वीडियो और है मेरी किस तरीके से बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए, मैंने उस पर भी बोला था ये कितनी गलत बात है। अगर बच्चे भी ऐसा कर रहे हैं पेरेंट्स को चाहिए उनको रोकें। जो भी नंबर आए हैं, जितने भी नंबर आए हैं, आप उस चीज़ को सेलिब्रेट करें, ज़रूर सेलिब्रेट करना चाहिए। अगर आपके बच्चे के 65-70% भी आए हैं, मैं कह रही हूँ उसको भी सेलिब्रेट करें। बच्चों की मेहनत है ये, जो भी उन्होंने अभी स्कोर करा है, पूरे साल बच्चे मेहनत करते हैं। और जैसा मैंने पहले भी बोला हुआ है, अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, सिर्फ बच्चों की मेहनत नहीं होती है, पेरेंट्स की भी होती है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे बच्चे ने कम स्कोर करा है तो इसमें आप भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं। हो सकता है आपने उनको वैसा एनवायरनमेंट ना दिया हो पढ़ने के लिए, या उस तरीके से कनेक्टेड ना रहे हों बच्चे को, रिक्वायरमेंट हो अगर कि उसे एक्स्ट्रा ट्यूशंस चाहिए या वो माहौल घर में चाहिए, आपकी गलती हो सकती है। तो सारा का सारा उठा के कुछ लोग बच्चों पे डाल रहे हैं, अगर कम उनको लग रहा है परसेंटेज आए हैं बच्चों के तो सारा बच्चों को कुछ लोग ब्लेम करते नज़र आए। बहुत हमारे इर्द गिर्द क्लोज लोग, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, आँखों से और कानों से देखा हुआ है, ऐसे सुनी सुनाई बात पर मैं कभी वीडियो नहीं बनाती हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा गलत बात है, बच्चों को एनकरेज करें। उनके जितने भी मार्क्स आए हैं, जो टॉप 5 की मैं बात कर रही थी, लोग क्या कर रहे हैं, जैसे अगर उनके 67% आए फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वो टॉप 5 सब्जेक्ट्स वो उठा रहे हैं जो जिनमें हाई स्कोर करा है बच्चे ने, और उसको निकाल कर परसेंटेज फिर 70 बन जाएगी। तो लोगों को बता रहे हैं हमारे बच्चे के 70 आए। ये कितनी ज़्यादा गलत बात है कि आप बच्चों को कहीं ना कहीं डाउन फील करा रहे हैं कि 67 इनफ नहीं है, हमें लोगों को 70 बताना पड़ रहा है। ये एक एग्जांपल मैंने आपको दिया। ये कितना ज़्यादा गलत इम्पैक्ट आपके बच्चों पे डालेगा लॉन्ग टर्म के लिए। पहली बात, आप उन्हें झूठ बोलना सिखा रहे हैं, बेस आप खराब कर रहे हैं। इस चीज़ से झूठ बोलना उनकी एक हैबिट बनेगी कि नहीं, अगर कोई चीज़ हमें शर्मिंदा कर रही है हमारे हिसाब से, तो हम उसे ऐसा झूठ का जो है वो चादर लपेट के लोगों के आगे हम प्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप खुद सोच कर देखिए, हम सब ने दुनिया देखी है, जितनी भी चुगुमुगुसी अभी तक देखी है, कितनी ये झूठ जो है वो आपको कहीं नहीं लेकर जाता, एक ना एक दिन सामने आ जाता है। और छोटी सी चीज़ से शुरुआत होती है, उसके बाद फिर वो एक हैबिट बन जाती है झूठ बोलने की, फिर वो हर चीज़ में बच्चे झूठ बोलेंगे और अपनी जो भी अचीवमेंट्स है उसे कभी भी सेटिस्फाई नहीं होंगे। तो ये कितनी सारी चीज़ें इसके साथ जुड़ी हुई हैं ये सोच कर देखें। इसलिए खुद भी उस चीज़ को सेलिब्रेट करें। मैं कह रही हूँ 67 अगर बच्चे के परसेंटेज आए हैं उसे भी सेलिब्रेट करिए, केक कट करवाइए, बच्चे को खाना खिलाने बाहर लेकर जाइए, कोई गिफ्ट दे दीजिए, उसे अप्रिशिएट करिए बच्चे को और एनकरेज करिए आगे वो अच्छा करे। आगे आप बच्चों पे भी ध्यान दीजिए कि किस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, क्या टाइमिंग्स हैं, सपोर्ट करिए उन्हें पढ़ाई करने में और एनकरेज करते रहिए। बाकी आपकी क्या राय है इसके बारे में ये भी ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो अब मैं बनाती हूँ खाना, खाने का टाइम होने वाला है, तो इसके पहले लेट हो जाऊँ मैं बनाती हूँ और रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। आधा किलो चिकन के हिसाब से मैं बता रही हूँ ये रेसिपी। तो आधे कप से थोड़ा सा ऊपर ऑयल लिया है और दो मीडियम से थोड़ी थोड़ी सी बड़ी प्याज थी, क्वांटिटी थोड़ी सी कम कर सकते हैं, वैसे मेन प्याज और टमाटर का ही मसाला है ये। तो बस तेल जब गर्म हो जाएगा तो फिर प्याज डालनी है सबसे पहले, और इसे थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट करना है, इतना फ्राई करना है, और फिर इसमें डालना है अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो ये मेरे पास फ्रीज़ करा हुआ है इसलिए ये ऐसा दिख रहा है। तो ये मैंने डाला है 2 चम्मच
भर कर लें और फिर उसे अच्छी तरीके से फ्राई करना है अदरक और लहसुन के साथ। जब वो फ्राई हो जाएगा 1 से 2 मिनट देना है और फिर जब वो फ्राई हो जाएगा तो 1 चम्मच डाला है ज़ीरा और ज़ीरा और अदरक लहसुन और प्याज के साथ फिर से 1 से 2 मिनट देना है। और टमाटर लिए हैं मैंने 2, इन्हें भी अच्छी तरीके से मिक्स करना है और फिर मैं ढककर इन्हें गलाती हूँ। पहले भी मैंने कई बार बताया है इससे टमाटर जो हैं वो जल्दी गल जाते हैं। और फिर अच्छी तरीके से इसे ऐसे चम्मच से अच्छे से मैश कर लेना है कि टमाटर की बिल्कुल ही प्योरी सी बन जाए और बिल्कुल भी साबुत ना रहे। चलाते जाना है और इसे मैश करते जाना है। और फिर इसमें मैं डाल रही हूँ चिकन, आँच जो है वो फुल पर ही होगी, फुल आँच पे इसको 2 से 3 मिनट अच्छी तरीके से फ्राई करना है। इसके बाद ये कुछ मसाले हैं, नमक, धनिया पाउडर है 2 चम्मच और कुटी हुई लाल मिर्च ये मैंने ली है 1 चम्मच। बाकी इसे आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर लें जितना भी आपको तीखा पसंद हो, क्योंकि और कोई मिर्च इसमें मैं नहीं डाल रही हूँ, सिर्फ यही मिर्च है और बाद में दम लगेगा हरी मिर्चों का, तो मिर्च आपको जिस भी टेस्ट के हिसाब से पसंद है वैसा आप कर लें। इसे ढककर मैंने 10 मिनट के लिए छोड़ा है और फिर मैं एक बार इसको अच्छी तरीके से चला लूँगी। अब बेसिकली भूनना है और इसे गलाना है। एक बार 10 मिनट के बाद खोलकर चेक कर लें, चलाकर और फिर ढककर इसे 10 मिनट के लिए फिर छोड़ दें। बीच बीच में चलाते जाते हैं तो फिर अच्छी तरीके से प्याज जो है वो मैश हो जाती हैं। और इसमें आधे कप से थोड़ा सा कम, बिल्कुल 1 चम्मच कम के बराबर इसमें मैंने दही डाला है 10 मिनट के बाद। और फिर इसे अच्छी तरीके से मिक्स करना है, भूनना है और चिकन की ग्रेवी आपकी तैयार हो जाएगी बढ़िया सी। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, बहुत कुछ ऐसा मेहनत वाला भी काम नहीं है। साइड में आप और दूसरे कामों को निपटाते निपटाते भी ये वाली रेसिपी आराम से बन जाती है और बहुत हैवी भी नहीं होती है, खाने में भी बिल्कुल हल्की होती है, तो वैसे भी खा सकते हैं इसको रोज़मर्रे में, जो अगर चिकन बनता हो आपके घर में तो उस तरीके से भी खाया जा सकता है, हैवी नहीं होता क्योंकि ये बिल्कुल भी। और दही के साथ इसे छोड़ने के बाद हम देखेंगे कि काफ़ी हद तक ये इसका जो मसाला है वो अच्छी तरीके से भुन चुका है, ऑयल भी सरफेस पे आ गया। अगर आपको इस तरीके से प्याज पसंद नहीं है, जो साबुत प्याज अगर नहीं पसंद है, तो फिर आप प्याज को जो है वो बहुत ही दरदरा सा, जो जैसे मिक्सी में सिर्फ 1 या 2 बार घुमाकर भी डाल सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं घुमाना है मिक्सी में वरना टेस्ट में फ़र्क आ जाएगा। इसके बाद डाला है मैंने कसूरी मेथी 1 चम्मच, धनिया, हरी धनिया और हरी मिर्चें कुछ ये, और इसके बाद डालना है बटर, ये आपकी बिल्कुल विश के हिसाब से है जितना भी डालना हो। बस सिर्फ इन सारी चीज़ों को हम 2 से 3 मिनट देंगे क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा फ्लेवर नहीं निकालना है, सिर्फ हल्की सी स्मेल आए और सारे में इसका अरोमा जो है वो अच्छी तरीके से घूम जाएगा, तो बस उतना ही करना है। बस इसको ढक देंगे और ये रेसिपी बिल्कुल बनकर तैयार है। ये वाली चिकन की रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट में बताइएगा कैसी लगी आपको, आपने क्या नाम रखा इसका ये भी बताइएगा। और हाँ, लास्ट में एक मैसेज बच्चों के लिए, जो अगर कोई बच्चे मुझे सुन रहे हैं जिनका रिज़ल्ट आया है और वो डिसअपॉइंटेड हो गए हैं या उनके पेरेंट्स डिसअपॉइंटेड हो गए हैं उनसे और जिससे उन्हें काफ़ी तकलीफ हुई है, तो बिल्कुल भी डिसहार्टेंड होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ एक पहला स्टेप था आप लोगों की ज़िंदगी का, पहला एक टेस्ट था। कम है मार्क्स, अगर परसेंटेज कम है, बिल्कुल भी दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे हार्डवर्क करें, आज से 5 साल 8 साल के बाद ये मार्क्स, ये परसेंटेज किसी को याद नहीं रहेंगे। लोग ये देखेंगे कि आपने लाइफ में क्या अचीव करा, उस पर फोकस रखें, अपना मेहनत करते जाएं। और अगर आपको लग रहा है हमारे पेरेंट्स खुश नहीं है, तो कोई बात नहीं, उन्हें हार्डवर्क करके दिखाएं, आगे अपनी लाइफ में अच्छा करके दिखाएं उन्हें।
ज़रूरी नहीं है कि अगर आप देख रहे हैं आपके किसी क्लासमेट्स के आपसे ज़्यादा परसेंटेज आए हैं, अच्छे नंबर आए हैं, तो हम बहुत पीछे हैं, वो लाइफ में कुछ अचीव कर लेंगे, हम नहीं कर पाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। मैं ऐसा अपने टाइम के बहुत सारे ऐसे लोगों को जानती हूँ जिनकी 10th में बैक आई थी, कुछ लोगों की 12th में बैक आई थी, उसके बाद भी आज वो बहुत अच्छे पैकेजेस पे, बहुत अच्छी अच्छी कंपनी में, कुछ इंडिया में, कुछ इंडिया से बाहर अच्छी जॉब पे हैं। तो ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये परसेंटेज, ये मार्क्स, ये सब कुछ पहला पड़ाव था, जैसा मैंने बोला, आगे आप मेहनत करें, अच्छा करके अपने पेरेंट्स को दिखाएं, अपनी लाइफ के साथ अच्छा करेंगे, ये दिन, ये टाइम किसी को याद नहीं रहने वाला है। इसी के साथ इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। रेसिपी ट्राई करिएगा, मैंने जो बोला उस पर कॉमेंट करिएगा, बच्चों को अपनी राय दीजिएगा, आपका क्या सोचना है इसके बारे में। अगली बार फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।